राज्य में राजस्व कर्मचारी की हड़ताल से अंचल और ब्लॉक का काम बाधित दिख रहा है। झरिया और बलियापुर अंचल कार्यालय में जाति आवासीय इत्यादि प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोग कार्यालय का चक्कर लगाकर वापस चले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 3 दिसंबर से राज्य के राजस्व कर्मचारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर होने से अंचल कार्यालय BDO कार्यालय का काम पूरी तरह से बाधित है। राजस्व कर्मचारी का कहना है कि भू राजस्व मंत्री से 7/3/2017 को झारखंड सरकार एवं संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को पुनः लागू नहीं किए जाने के फलस्वरूप हड़ताल पर हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व उप निरीक्षकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपया करना, राजस्व सेवा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना, राजस्व उप निरीक्षकों का लंबित प्रोन्नति शीघ्र दी जाए, जनगणना से समायोजित राजस्व उप निरीक्षकों को GPF योजना का लाभ देते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों पर वरीयता एवं 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से प्रोन्नति का लाभ देना इत्यादि मांगों को लेकर वार्ता हुई थी, जिसमें मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसे लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, सभी कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे। इधर अंचलाधिकारी झरिया का कहना है कि राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने से कार्य बाधित हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इनकी मांगों पर सरकार वार्ता करेगी और ये लोग काम पर वापस लौटेंगे। 2017 में मंत्री राजस्व निबंधन विभाग के यहाँ समझौता हुआ था, उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया। 26/11 से अभी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हमारे राजस्व कर्मचारी गए हैं, और उसमें 1 नंबर में हम लोग का मांग है 2400 ग्रेड पे, लंबित प्रोन्नति, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट, अंचल निरीक्षक का सीधी बहाली पर रोक, उसमें 50% प्रमोशन पर और 50% लिमिट परीक्षा के माध्यम से, लैपटॉप की मांग, और क्षेत्र भ्रमण हेतु 2 पहिया वाहन तथा लंबित प्रोन्नति जो है उसको लागू करना है। सर, 3 तारीख से आप लोग हड़ताल पे, क्या अभी तक कोई सुनवाई कुछ इस तरह का सब बात कुछ हुआ क्या अभी तक अधिकारियों से? अभी सभी विधायकों और मंत्रियों से एक अनुरोध पत्र लिख करके विभाग को और मुख्यमंत्री को देने का कार्यक्रम चल रहा है, सभी विधायक से लिखा करके और उसको जमा कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर हड़ताल अभी चालू है। कब तक चालू रहेगा सर? अभी अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है, जब तक मांगों पर विचार नहीं होता है सरकार। सर, क्या होगा इससे, क्या क्या परेशानी आएगी? बिल्कुल परेशानी शुरू हो चुकी है। अभी हमारे पास यहाँ एप्लीकेंट लोग खड़े हैं और इनका काम नहीं हो पा रहा है, तो स्ट्राइक पर जाना पड़ता, जाहिर है परेशानी है। किन मांगों को लेकर गए हैं सर, कब से गए हैं? ये हमारे यहाँ 4 तारीख से गए हैं ना, 4 तारीख से गए हैं लोग, विभिन्न मांगे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है सर ऊपर से अभी तक? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं है, कार्रवाई जरूर होगी, समाधान